हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर 1 जो है वो पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने संबंध के प्रकार यानी स्वतुल्य सममित संक्रामक, फलन के प्रकार एकैकी आच्छादक, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रोणी फलन और द्विआधारी संक्रियाओं पढ़ा था, जिसमें हमने क्रमन्वय नियम, साहचर्य नियम और तत्समक नियम, ये सारी चीजें आप लोग पहले चैप्टर के अंतर्गत पूरा पढ़ चुके। अभी अपन लोगों को विविध प्रश्नावली देखनी है, ठीक है। तो यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो पुराने वीडियो झटपट देख लीजिए, क्योंकि विविध प्रश्नावली आपको इसी के अंतर्गत मिलेगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नावली से। अब विविध उदाहरण कह रहा है, उदाहरण नंबर 41। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो R1 R2 A के लिए तुल्यता संबंध बता रहे, तो आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। सवाल बहुत ही आसान है, सवाल में है कुछ नहीं, जरा समझने की कोशिश करो। R1 और R2 तुल्यता संबंध पहले से दे रहा, तो आप क्या करोगे, जब इसको थ्योरिकली पूरा लिखना है, पूरा आपको समझाना है कैसे, कि आपको पहले R1 और R2 के लिए तुल्यता दिखाते जाना है, और साथ में चूंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहा, चूंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो कॉमन की बात कर रहा, तो उसी के साथ आप R1 और R2 को भी तुल्यता संबंध दिखाते जाओगे। कैसे, कि पहले R1 और R2 के लिए स्वतुल्य ले लोगे और R1 इंटरसेक्शन R2 को भी स्वतुल्य दिखा दोगे, फिर परिभाषा लिखते जाना और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगर आपको परिभाषा ध्यान है, नहीं है ध्यान, तो आप पीछे वाले वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। और इसी प्रकार आप सममित दिखाओगे R1 और R2 को, चूंकि ये दिया है तो आप लेके चलोगे और R1 इंटरसेक्शन R2 को सममित दिखा दोगे। फिर संक्रामक R1 R2 है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 को भी संक्रामक दिखा दोगे। तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो सब आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। तुल्यता संबंध कब होता है, जब स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों चीजें हो जाए, तो बस इस प्रकार से करना है, ठीक है। सवाल बहुत ही आसान है, जरा समझिए होना क्या है। अब यहां पर कह रहा है कि R1 R2 जो समुच्चय A में है वो तुल्यता संबंध है। जब तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य की बात कर लो, तो स्वतुल्य में क्या, कि स्वतुल्य के लिए AA belongs to R1 और AA belongs to R2। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब दोनों ही चीजें हैं R1 और R2 में, तो इनका जो कॉमन होगा वो भी इंटरसेक्शन में होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AA जो है वो बिलोंग्स टू करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो यहां से हम दिखा रहे हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ परिभाषा लिख देनी, सवाल में है कुछ नहीं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सममित की, सममित में हमने मान लिया कि AB जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है। AB अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो हम BA दिखा देंगे। अब BA कैसे दिखाओगे, चूंकि AB जो है वो R1 में था, जो AB R1 में था और R1 तुल्यता संबंध था, तो BA भी आपका R1 में होगा। इसी प्रकार AB R2 में है तो BA भी आपका R2 में होगा, क्लियर है बात। तो जब AB R1 में है और BA R1 में है, इसी प्रकार AB R2 में है, BA R2 में है, तो हम यहां से ये दिखा रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए कॉमन होगी चीज, तो BA जो होगा वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। तो यहां से हम कह रहे हैं कि R1 R2 सममित भी है, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखा रहे हो। अब सेम चीज पूरी आपको परिभाषा लिख देनी और कुछ नहीं है सवाल में। संक्रामक की बात कर लो, अब हमने मान लिया कि माना AB R1 इंटरसेक्शन R2 में है और BC भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, ठीक है। अब यहां पर आप R1 के लिए दिखा रहे हो संक्रामक, तो AB जो है वो R1 में है, BC R1 में है, तो AC भी R1 में होगा। और यदि AB R2 में है, BC R2 में है, तो AC भी आपका R2 में होगा, ये होती है परिभाषा। तो इनका जो कॉमन बनेगा इंटरसेक्शन, वो भी आपका संक्रामक हो जाएगा, यानी AC भी आपका R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। ये अपन ने मान लिया था कि AB जो है वो R1 R2 में है और BC जो है वो R1 R2 में है, तो हमने ये दिखा दिया कि जो AC है वो भी R1 R2 में इंटरसेक्शन में होगा। तो यहां से हम कह रहे हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी संक्रामक है। तो यहां से हमने बता दिया, अतः सिद्ध है कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो मैंने इसमें हल इसलिए नहीं किया क्योंकि लिखना लिखने का काम था, थ्योरिकल थी पूरी चीज, तो मैंने लिख के आपको समझाने की इतना नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है उदाहरण नंबर 42, ठीक है। उदाहरण नंबर 42 क्या कह रहा है समझो, उदाहरण नंबर 42 कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर्स का एक संबंध आर, इस प्रकार से दिया है कि XY R
यू वी यदि और केवल यदि एक्स वी बराबर वाई यू द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए आरेख तुल्यता संबंध कैसे करना है इस बात को। अच्छा ये रिलेशन किस प्रकार से बन रहा है, एक्स वी यानी एक्स का संबंध हम वी से कर रहे हैं और वाई यू वाई का संबंध हम यू से कर रहे हैं इस प्रकार से, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुल्यता दिखा रहे हैं तो सौतल सममित और संक्रामक तीनों चीजें दिखा देंगे। तो चलो देखो अब बात कर लेते हैं सौतुल्य की। तो सौतुल्य में क्या मान लिया कि हमने ए बी मान लिया जो ए में, तो संबंध कैसे बनेगा आर में क्या बन के आएगा, आर में बनेगा ये ए बी और आर और ए बी। ठीक है, होना कैसा है कि पहले और आखिरी वाले को मिलाना है और बीच वाले दोनों को मिला देना। तो यहां से क्या बन रहा, पहले और आखिरी वाले को मिलाओगे यानी ए बी और बराबर हो जाएगा आपका बी ए। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि ए बी बराबर बी है। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं कि इसलिए आर भाई बराबर आ रही ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। तो यहां से हम कह रहे हैं आर स्वतुल्य है। ठीक है ना, आर स्वतुल्य, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लो सममित की। तो अगर हम बात सममित की करते हैं तो सममित में आपको दो चीजें लेनी है। तो हमने मान लिया ए बी और सी डी जो है वो ए में है। जब ए बी सी डी ए में है तो हम क्या कर रहे हैं कि आर में, आर में क्या, अब R में हम पहले लेंगे ए बी बिलोंग ए बी आर और सी डी, ए बी सी डी इस प्रकार से ले लिया। तो यहां से क्या निकलना है, पहला और अंतिम और दूसरा और तीसरा। तो ए डी बराबर बी सी, इसको मान लो समीकरण नंबर एक। और होना क्या चाहिए, अगर सममित की बात करें तो ए बी आर सी डी हो गया, तो फिर पलट दो इसको सी डी आर ए बी ये दिखा दोगे। तो आप इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा सी बी और ये बनेगा आपका सी बी और डी ए। तो यहां से क्या ना आना, ये आएगा आपका सी बी बराबर डी ए। तो अब इस हिसाब से आप देख रहे हो कि समीकरण एक और दो को देखो, समीकरण एक और दो से दोनों बराबर हैं, समीकरण एक व दो बराबर हैं, है ना, बराबर है कि नहीं है। जब समीकरण एक और दो बराबर है, देखो भाई ये ए डी था तो ये आपका डी ए हो गया, ये बी सी था ये तो आपका सी बी है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि R सममित है। ठीक है ना, R सम... तो हम संक्रामक दिखाएंगे। संक्रामक में क्या दिखाओगे, पहले आप ए बी सी डी ले लोगे, फिर सी डी ई एफ ले लोगे और ये दिखा दोगे कि ए बी ई एफ हो रहा है। ठीक है ना, तो कैसे, पहले A तो R में, R में पहले क्या लेना है आपको ए बी आर सी डी। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या बनाओगे, पहला और अंतिम और दूसरा तीसरा। तो ए डी बराबर बी सी, ये हो गया समीकरण नंबर आपका तीसरा। ठीक है ना, और क्या लेना है आपको सी डी आर और ई एफ। यहां से क्या निकलना है, ये आपका निकलना है आपका सी एफ बराबर डी ई, इसको मान लो समीकरण नंबर चार। ठीक है ना, अब आपको निकालना क्या है, तो ए बी और ई एफ, ठीक है, आर ई एफ में। अब इसमें आप क्या दिखाओगे, इसमें आपने क्या किया, पहले अपने समीकरण तीन और चार का गुणा करा दो। समीकरण तीन व चार का गुणा कराने पर, ठीक है, गुणा कराने पर हमने क्या किया, तीन और चार को गुणा करा दी। अब जब तीन और चार को गुणा कराने पर देखो क्या होता है, ए डी गुणे सी एफ बराबर बी सी गुणे डी। ठीक है ना, तो देखो क्या कट रहा है, ये डी से डी काट दो और सी से सी काट दो, तो क्या बन गया आपका ए एफ बराबर बी, ए एफ बराबर बी। अब जब देखो अपन को लाना क्या था भाई, ये तो लाना था ए एफ और बी, ठीक है ना, ए एफ और बी लाना, तो ये आ गया। तो जब आ गया तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि आर आपका संक्रामक है, आर संक्रामक है। तो यहां से हमने क्या कह दिया कि भाई आर स्वतुल्य भी है, आर आपका स्वतुल्य बन गया था, आर सममित हो गया और आर आपका संक्रामक भी हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, बहुत ही आसान था, क्लियर है बात मेरी। ठीक है, उदाहरण नंबर 43 की बात कर लीजिए। कह रहा है कि मान लीजिए कि x आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मान लीजिए x में r1 बराबर दे रहा है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य है द्वारा प्रदत्त एक संबंध r1 है तथा r2 जो दिया है बराबर एक्स वाई सबसेट है 147 या एक्स वाई सबसेट है 258 या एक्स वाई सबसेट है 369 द्वारा प्रदत्त x में एक अन्य संबंध R1 है। आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि R1 बराबर R2 है। तो सवाल बहुत ही आसान है, जो R1 दिया है उसको हल कीजिए, देखिए क्या हल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये X हो गया, R1 हो गया और आपका R2 हो गया। तो अगर हम R1 की बात करें, R1 की, तो R1 क्या कह रहा है
कि संख्या तीन से विभाज्य। अब संख्या तीन से कौन विभाज्य होगी, यदि x का मान एक ले लो, y का मान भी एक ले लो, तो 1-1 कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो जो है तीन से डिवाइड होगा, जीरो में तीन का भाग चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम यहां से R1 कितना निकल के आएगा भाई, R1 में अगर आप संबंध निकालते हो, R1 में निकल के आएगा जब 1-1 आ रहा है, वो 1-1 आ रहा है, तो यहां से आप कह सकते हैं भाई 2-2 भी आएगा, तो 3-3 भी आएगा, इसी प्रकार 4-4, तो 9 तक आ जाएगा, ठीक है ना, 5-5 भी आएगा, 6-6 भी आएगा, 7-7 भी आएगा, 8-8 भी आएगा, और 9-9 भी आएगा। तो ये चीजें तो आनी आनी है। अब एक में आप क्या घटा रहे कि उसके साथ संबंध बन रहा, तो एक में आप चार घटाओगे, एक में चार का अगर घटाओगे तो तीन आएगा, जो कि तीन से डिवाइड है। एक में अगर आप सात घटा रहे तो अभी बात बन रही, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से लेते चलना है। तो एक के साथ आप चार लोगे और एक के साथ आप सात लोगे, ये R1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दो की बात कर लो, तो दो में अगर आप करते तो दो में कितना आएगा, दो में पांच आएगा और दो के साथ आप आठ लोगे, इसी के साथ दो और आठ का अंतर छह आएगा, ठीक है ना। तीन की बात कर लो, तो तीन में क्या क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा तीन के साथ आपका छह और तीन के साथ नौ, तो इसी प्रकार आप बाकी सब देख लोगे, ठीक है ना। चार की बात कर लो, तो अगर हम चार की बात करते हैं तो चार में एक आएगा, फिर चार में आप सात ले रहे हो, ठीक है ना। और पांच की बात करते हैं तो पांच में क्या आएगा, पांच में आपका दो आएगा और पांच के साथ आठ आएगा, ठीक है। और छह की बात कर लो, तो छह के साथ तीन और छह के साथ नौ, ठीक है। सात की बात कर लो, तो सात के साथ एक और सात के साथ चार। आठ की बात कर लो, तो आठ के साथ दो और आठ के साथ पांच, आठ के साथ पांच। नौ की बात कर लो, तो नौ के साथ तीन और नौ के साथ छह। तो इस प्रकार से आपका आर वन बनेगा। अब जरा देखो, अगर हम बात करें आर टू की, तो आर टू क्या था, 147 जो है वो एक्स वाई से रिलेटेड है, 258 जो है वो एक्स वाई से रिलेटेड है, और 369 जो है वो एक्स वाई से रिलेटेड है, मतलब इनका पेयर था। तो जब आप गौर करो पेयर किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है ना, ध्यान दो, 14, ठीक है ना, 14 के बाद 41 17 47, ठीक है ना, 7174। तो यहां आप देख रहे हैं इनका आपस में पेयर बन रहा है, इनका आपस में आप देख रहे हो पेयर बन रहा है, जोड़े ये एक साथ है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि इसीलिए जो R2 है वो सबसेट है किसका, R1 का, ठीक है ना, R2 जो है वो सबसेट है किसका, R1 का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब सबसेट है तो हम कह रहे हैं कि अब बराबर भी है भाई, R1 में ये चीज थी और R2 में ये चीज थी और R1 में ये, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसीलिए R1 बराबर R2, बस इतना करना था और कुछ नहीं था। उदाहरण नंबर 44 की बात कर लो, कह रहा है मान लीजिए f such that x tends to y एक फलन है, x में r बराबर कह रहा है ab such that fa बराबर fb द्वारा प्रदत्त एक संबंध r परिभाषित कीजिए, जांच कीजिए कि क्या r एक तुल्यता संबंध है। सवाल बहुत ही आसान होने वाला है, जरा समझो हो क्या रहा है, क्या कह रहा है आपको कि x में r बराबर ab such that fa बराबर fb, ये दे रखा है, ठीक है। और तुल्यता निकालना, तो पहले हम बात कर लेते हैं सौतुल्य की। तो जब हम सौतुल्य लगाते हैं तो सौतुल्य में क्या, कि हमने मान लिया कि जो ए ए है वो आर में है, ठीक है ना, जो ए ए है वो आर में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहां से क्या निकलेगा, एफ ए बराबर एफ ए, एफ ए बराबर एफ ए। तो यहां से आप कह रहे हो कि आर सौतुल्य है, ठीक है ना, आर सौतुल्य है भाई, एफ ए और एफ ए आपस में बराबर होंगे। बात कर लो सममित की, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सममित की, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए बी जो है वो आर में है, ठीक है। तो हमने क्या दिखा रहे हैं कि हम ये दिखाएंगे कि ए बी जो है आर में, तो क्या हो जाएगा एफ ए, इसका मतलब क्या है कि एफ ए बराबर एफ बी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब एफ ए और एफ बी बराबर, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई एफ बी बराबर एफ ए, ठीक है ना, एफ ए और एफ बी बराबर, तो हम उसको पलट भी सकते हैं, एफ बी बराबर एफ ए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो बी ए वो भी आर में है, तो इसका मतलब क्या कि आर सममित है, ठीक है ना, ऐसे दिखाना है, आर सममित है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम बात कर लें संक्रामक की, ठीक है, तो संक्रामक देख लो, संक्रामक में क्या दिखा रहे हो कि ए बी, ठीक है, ए बी और सी, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहां से आप क्या दिखा रहे हो कि एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है, और क्या ले रहे हो बी सी,
और आपने ले लिया BC belongs to R, तो यहां से आपने क्या दिखाया कि FB बराबर FC। अब ये देखो कि FB यहां बराबर है और FB यहां बराबर है, तो भाई A और C बराबर हो जाएंंगे ना, तो यहां से आप कह सकते हो कि FA बराबर FC। इसका मतलब क्या कि जो AC है वो भी R में है, तो यहां से हम कह रहे हैं कि R संक्रामक है, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखाया था। ठीक है, तो आपने बता दिया R स्वतुल्य है, R सममित है और R संक्रामक भी है। सवाल बहुत ही सरल है, यदि आपने पिछले वीडियो लगा रखे हैं तो कोई दिक्कत देख रखे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप कह सकते हो कि R तुल्यता संबंध है। उदाहरण नंबर 45 कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी सहचर है और कौन सी क्रम विनिमेय है। तो आपको पहला कह रहा है A जो दिया है, A स्टार B बराबर 1 फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। अब जरा सोचो और दिमाग लगाओ भाई, क्रम विनिमेय की अगर हम बात कर लेते हैं, पहला है आपका क्रम विनिमेय, तो अगर हम क्रम विनिमेय की बात करते हैं तो क्रम विनिमेय में क्या होगा भाई, A स्टार B बराबर 1 है तो B स्टार A बराबर B 1 होगा, तो ये क्रम विनिमेय हो गया कि नहीं हो गया, जो ये नियम है वो क्रम विनिमेय का पालन करेगा, तो आप यहां से लिख सकते हो कि क्रम विनिमेय है। फिर अगर हम बात करते हैं सहचर की, तो जरा सहचर देख लो, सहचर में क्या दिखाओगे कि A स्टार B और फिर स्टार C, तो A स्टार B क्या बनेगा, A स्टार B बनेगा आपका 1 स्टार C, और 1 स्टार C क्या बन जाएगा 1, ये हो गया। फिर अगर हम बात कर लेते हैं RHS की, तो RHS में क्या कि A स्टार और फिर B स्टार C, तो BC के लिए क्या लोगे 1 लोगे, तो ये हो जाएगा A स्टार 1 और A स्टार 1 क्या होगा 1। तो यहां आप देख रहे हो सहचर में कि LHS RHS दोनों बना रहे, तो पहला वाला क्रम विनिमेय का भी पालन कर रहा, ये हो गया क्रम विनिमेय के लिए, ये हो गया आपका सहचर के लिए, तो क्रम विनिमेय का भी पालन कर रहा और सहचर का भी पालन कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लो सेकंड की, ठीक है ना, तो सेकंड में आपको कह रहा है कि A स्टार B बराबर A प्लस B अपॉन 2, तो अब A प्लस B अपॉन 2 है, चलो देखो A स्टार B क्रम विनिमेय की बात कर रहे हैं, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं क्रम विनिमेय की, A स्टार B बराबर कितना A प्लस B अपॉन 2, तो B स्टार A क्या बनेगा, B स्टार A बन जाएगा आपका B प्लस A अपॉन 2, तो भाई क्रम विनिमेय का पालन कर रहा। अब सहचर की बात कर लेते हैं, जरा सहचर में देखो कैसे करना है, अगर हम बात करें LHS की, सहचर की बात कर रहे हैं, LHS में क्या कि A स्टार B और स्टार C, तो पहले AB में लगाओगे तो A प्लस B अपॉन 2 और स्टार C, तो करते क्या दोनों को जोड़ के बटे 2, यानी A प्लस B अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2, तो जब आप इसको हल कर रहे हैं तो हल करने पर क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका A प्लस B प्लस 2C और अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं RHS की, तो RHS में क्या कि A स्टार फिर B स्टार C, तो पहले आप BC में लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका A स्टार, हो जाएगा आपका B प्लस C अपॉन 2, जब इस अपॉन, ठीक है ना, अब इसको हल कर रहे हैं, इसको हल करने पर क्या आएगा, ये आएगा आपका A प्लस, ये आएगा B प्लस C अपॉन 2 और अपॉन 2, इसको हल कर लो तो यहां से हल करने पर आपको मिलेगा 2A प्लस B प्लस C अपॉन 4। तो यहां आप देख रहे हो ये आपका LHS था, ये आपका RHS था, तो दूसरे वाले में दोनों बराबर नहीं, तो दूसरे वाले में सहचर का काम नहीं करेगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से करना था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर आपको लगता है स्पीड आप तेज लग रही है, आपको बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो, ठीक है, आराम से इत्मीनान से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलना और अच्छे से देखते चलना, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आसान है, अगर आपने पिछले वीडियो देख रखे हैं तो सवाल आसान है, बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिमाग में वो सारी चीजें बैठा के चलना। हाँ, अगर आप अचानक से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चीजें नहीं बनेगी, अचानक से इस वीडियो को देखने पर तो चीजें नहीं बनेगी, क्योंकि विविध का है, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्रम विनिमेय और सहचर हो रहा था और दूसरे वाले में क्रम विनिमेय हो रहा था सहचर। उदाहरण नंबर 46 कह रहा है आपकी, समुच्चय A बराबर दिया है 1, 2, 3 से स्वयं तक, अब स्वयं तक का मतलब है A से A में, ठीक है, सभी एक एक ही फलन की संख्या ज्ञात कर, तो मैं इसके दो तरीके आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपका डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट तरीका क्या कि समुच्चय A दिया है, कितने अवयव दिए हैं 3 अवयव दिए, तो इसमें एक एक ही फलनों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, एक एक ही फलनों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, फिर मैं डिटेल बताता हूं, एक एक ही फलनों की संख्या हो जाएगी आपकी फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 आपने पढ़ा है कक्षा 11 में क्रमचय संख्या, वहां पर आपने पढ़ रखा फैक्टोरियल को हल करना, तो फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 1 × 2 × 3, तो यहां से संख्या निकलनी है 6, तो ये हो जाएगा आंसर, ये तो हो गई डायरेक्ट की बात। अब मैं अगर डिटेल की बात करूं, A से A में कह रहा है, A से स्वयं तक कह रहा है, स्वयं तक का मतलब A से A में, ठीक है ना, यहां पर भी A है और यहां पर भी है, तो यहां पर आपने 1, 2, 3 ले लिया, यहां पर आपने 1, 2, 3 ले लिया। अब जरा एक एक की बनाने की कोशिश करो, अब एक एक की आपको पता है सिंगल सिंगल आपको मैपिंग करानी होती है, तो अगर हमने मान लो 1 से 1 में फिक्स कर दिया,
एक को एक से फिक्स कर दिया। तो अब यहां से दो और तीन के लिए क्या क्या संबंध निकल सकते हैं भाई? दो जो है वो दो के साथ भी जा सकता है, या की बात कर रहा है ठीक है, और दो जो है वो तीन के साथ भी जा सकता है, या फिर तीन जो है वो दो के साथ भी जा सकता है और तीन जो है तीन के साथ भी जा सकता है, या की बात कर रहा है ठीक है। तो यहां से आपके कितने संबंध निकल रहे हैं? दो संबंध निकल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें ए से, ए में आप दिखा रहे हो 1 2 3 और 1 2 3, तो अगर हमने मान लो फिक्स कर दिया एक और दो को, तो इसी प्रकार अगर आप बात करो दो की, तो ये 2 1 भी हो सकता है या फिर 2 3 हो सकता है। एक साथ नहीं ले रहे हैं, अलग अलग संबंध की बात कर रहे हैं, तो 2 1 भी हो सकता है 2 3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक साथ ले लोगे तो फिर ये तो एक एक ही रहेगा नहीं ठीक है ना। या फिर आप कर सकते हो 3 1 और 3 3 इस प्रकार से। तो यहां से दो संबंध निकल आने। सेम आपको अगर हम बात करें 1 2 3 और 1 2 3, अगर आपने 1 को 3 के साथ सिंगल कर दिया ठीक है, 1 को 3 के साथ आपने फिक्स कर दिया, तो अब आपका ये बन सकता है 2 1 के साथ और 2 2 के साथ, या 3 1 के साथ 3 2 के साथ, तो दो रिलेशन यहां से बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो एक एक फलन बन सकते हैं वो 6 फलन बन सकते हैं। बाकी का आप बना के देखना, मैपिंग जो जिस प्रकार से करते हैं ना, संबंध जिस प्रकार से बनाते हैं, एक एक फलन बनाने की कोशिश करना, 6 एक एक फलन बनेंगे ठीक है ना, 6 से ना कम ना ज्यादा। उदाहरण नंबर 47 कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है, तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 2 3 है और जो समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है ठीक है। तो अब समुच्चय आपको क्या दिया है? समुच्चय आपको पहली बात a दिया आपको 1 2 3 ठीक है। अब वो कह रहा है कि संबंधों की संख्या 4 है जिसमें 1 2 भी है और 2 3 भी है, और वो समतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं दिखाना है आपको, इस बात को ध्यान रखना ठीक है। तो पहली बात तो समतुल्य की बात कर रहा हूं, समतुल्य में क्या, समतुल्य खुद के लिए होना चाहिए, तो 1 2 3 के लिए समतुल्य में कह ले 1 1 2 2 और 3 3 पहले संबंध में तो ये रहेंगे ही रहेंगे ठीक है ना। R1 में अगर हम बात करते हैं पहले संबंध की ठीक है, तो समतुल्य के लिए आपका 1 1 2 2 और 3 3 ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब ये कह रहा था कि 1 2 और 2 3 इनको भी होना चाहिए, तो इनको भी कर दो भाई, 1 2 और 2 3 ये हो गया। अब वो कहता कि संक्रामक भी हो, तो संक्रामक के लिए क्या जरूरी है, देखो 1 2 1 2 है, 2 3 है, तो फिर आपका 1 3 भी होना चाहिए कि नहीं, तो यहां पर आपने संक्रामक के लिए 1 1 3 ले लिया। तो ये आपका सबसे छोटा संबंध होगा जो समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। सममित नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 1 नहीं है ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा, अब यहां पर आपका ये सबसे छोटा संबंध बन गया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि शेष अवयव कितने होंगे, शेष अवयव, अब शेष अवयव कौन कौन से बच गए आपका, एक तो बच गया 2 1 ठीक है, एक बच गया आपका 3 2 और एक बच गया आपका 3 1 ठीक है। तो अब इन्हीं शेष अवयव से बाकी के संबंध निकाल दोगे आप। R2 की बात कर लो, तो R2 में आप पहली बात तो 1 1 ये सबसे छोटा है, तो पूरा पहले तो इसको पूरा लोगे ठीक है, पूरा का पूरा R1 तो लोगे लोगे, 2 2 3 3 इसके बाद 1 2 2 3 और 1 3 ये पूरा ले लिया। अब जरा समझो, 1 2 था, अगर हम इसमें 2 1 ऐड कर दें ठीक है, तो भी ये सममित नहीं होगा, संक्रामक तो रहेगा लेकिन ये सममित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 2 लिया तो 2 1 तो हो गया, लेकिन 2 3 है तो 3 2 नहीं है ठीक है ना, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो एक संबंध ये बन जाएगा। फिर क्या करोगे आप, R3 ले रहे हो, तो R3 में क्या, पहले आप छोटा वाला पूरा ले लोगे, R1 यानी 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 3 और 1 3 पूरा R1 ले लिया। अब देखो जैसे यहां पर आपने 2 1 लिया था, आप 2 1 की जगह आप 3 2 ले लो, तो अगर हमने 3 2 लिया तो भी ये सममित नहीं रहेगा ठीक है ना। देखो 2 3 है तो आपने 3 2 ले लिया, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 है तो 2 1 नहीं लिया, तो तब भी ये सममित नहीं रहा, ये हो गया आपका R3। अब अगर हम R4 की बात करें, तो R4 में क्या, पहले पूरा छोटा वाला R1 ले लोगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ठीक है ना, और फिर 1 2 और 2 3 और 1 3 ये पूरा ले लोगे। अब इसके बाद जरा सोचो कि आपने 2 1 ले लिया था, एक बार आपने 3 2 ले लिया, अब एक बार आप क्या करोगे, 3 1 ले लोगे। तो जैसे ही आपने एक बार 3 1 लिया, तो इसमें आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि समझो कि 3 1 है, ये आपका 3 1 हो गया, 3 1 ठीक है, और ये आपको दिया 1 2 1 2, तो अब आपका क्या होना चाहिए, 3 2 भी तो होना चाहिए, तो ये आपका 3 2 ले लोगे, तो यहां पर आपको एक 3 2 भी लेना
होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चार संबंध जो कह रहा था वो चार संबंध हमने निकाल दिए। उदाहरण 48 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में 1, 2 तथा 2, 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। ठीक है, तो आपको समुच्चय दे दिया 1, 2, 3। अब इसको कह रहा है कि 1, 2 और 2, 1 को अंतर्विष्ट करने वाले, मतलब ये दोनों को सम्मिलित करना है। तो अगर हम संबंध की बात करें, संबंध की बात कर रहे हैं तुल्यता संबंध बताने के लिए आपको 1, 1, 2, 2 और 3, 3 तो ये चाहिए चाहिए क्योंकि सौतौल्य के लिए। अब वो कह रहा है कि 1, 2 और 2, 1 को भी ले लो। तो जब हम 1, 2 और 2, 1 को लेते हैं तो ये आपको तुल्यता तो बता दिया आपने, ये आपने तुल्यता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अगर 1, 2 है, 2, 1 है तो ये सममित हो गया और संक्रामक भी हो रहा, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी है, तो ये आपका संक्रामक भी हो रहा, तो ये आपका तुल्यता संबंध 1 हो गया। ठीक है, तुल्यता संबंध ये हो गया। अब एक और तुल्यता संबंध निकलेगा आप कैसे, अब ये यहां ये समझो कि शेष अवयव कौन कौन सी बची। ठीक है, शेष अवयव कौन कौन से बची, एक तो आपका 1, 3 बचा और 3, 1 बचा, एक आपका 2, 3 बचा और 3, 2 बचा। अब ये चार अवयव आपके बचे। अब यदि आप इनमें से कोई भी एक अवयव लेते हो, मान लो आपने 1, 3 लिया, ठीक है, तो तुल्यता दिखाने के लिए आपको 3, 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही आप 1, 3 लेते हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 2, 1 और फिर 1, 3 के लिए आपको 2, 3 भी लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप 2, 3 लेते हो तो 3, 2 भी लेना पड़ेगा। यानी अगले संबंध में ये आपका R1 ले लो, इसको हमने R1 दिखा दिया, तो अगले संबंध R2 के लिए आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1 और फिर ये चारों के चारों जो शेष बची थी 1, 3, 3, 1, 2, 3 और 3, 2, ये सब लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका सबसे छोटा वाला तुल्यता संबंध संभव हो पा रहा था, और ये R2 जो कि आपका सार्वर्तिक रहेगा, मतलब इससे बड़ा नहीं बन सकता है, तो ये आपके 2 बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करना था। उदाहरण नंबर 49 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1, 2 में ऐसी द्विआधारी संख्याओं की संख्या केवल 1 है। द्विआधारी संख्याओं की संख्या यानी ऑपरेशन जो है वो सिर्फ 1 ही लग सकता है, जिसका तत्समक 1 है, तो जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। ठीक है, अब इसको समझो, तो आपने द्विआधारी संख्या की बात कर रहा हो, केवल 1 कह रहा, तो हमने मान लिया कि 1 स्टार है जो आपकी द्विआधारी संख्या कुछ है। ठीक है, तो हमने द्विआधारी संख्या ले ली इस तरीके से, और क्या कह रहा, 1, 1, 2 में कह रहा। ठीक है, तो अगर हमने 1, 2 क्रॉस 1, 2 कराया, ठीक है, और हमने कहा कि रिजल्ट हमें 1, 2 मिला। ठीक है, तो अब जरा इसे हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम से कुछ इस प्रकार से, यहां पर ये आपका रहेगा और ये 1, 2 रहेगा। ठीक है, यहां पर आप क्रमित युग्म रख रहे हो, तो ये क्रमित युग्म रखने पर क्या किया आएगा आपका 1, 1 फिर 1, 2 और 2, 1 और 2, 2 ये आएगा, और यहां पर आएगा आपका 1, 2। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया आपने। अब वो कह रहा है कि तत्समक 1 है और प्रतिलोम 2 है, तो तत्समक 1 का मतलब क्या, तत्समक का मतलब क्या कि आप ए स्टार ई कर रहे हैं तो ए मिलेगा। अब ए स्टार ई करने पर ए कब मिलेगा, जब आप सुनिए देखिए, जब आप गुणा ले, अगर हम स्टार की जगह मल्टीप्लाई लेते हैं, स्टार की जगह मल्टीप्लाई लेते हैं, तो देखिए कि 1, 1 एक और एक का गुणा करने पर आपको 1 मिलेगा, 1 और 1 का गुणा करने पर आपको 1 मिलेगा, इसके अलावा 1 और 2 का गुणा करने पर आपको 2 मिलेगा, और 2 और 1 का गुणा करने पर भी आपको 2 मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तत्समक के लिए। और अगर हम बात करें प्रतिलोम की, अब वो कह रहा है कि जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है, तो प्रतिलोम में क्या होता है कि भाई ए स्टार बी बराबर ई मिल जाए, ए स्टार बी बराबर ई मिल जाए। तो अब यहां देखिए, यहां पर प्रतिलोम के लिए क्या हो रहा है, प्रतिलोम के लिए देखते हैं, 2, 2 की बात करें, आपका 1 छूट गया था 2, 2, तो 2 और 2 का जब स्टार कराते हैं 2 स्टार 2 प्रतिलोम के लिए, तो हमें 1 मिलेगा, कब मिल रहा, ये मिल रहा आपका 2, 2 के लिए 1। तो इस प्रकार से आप दिखा रहे थे। ठीक है, और इस प्रकार से दिखा रहे हैं, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। द्विआधारी संख्याओं की संख्या केवल 1 है बस, अब यहां हम लिख देंगे कि अतः द्विआधारी संख्याओं की संख्या 1 है। ठीक है, बस इतना करना था। और 50 कह रहा है कि तत्समक फलन IN जो है N से N पर विचार कीजिए, जो IN x बराबर x फॉर ऑल x belongs to N द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए यद्यपि IN आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन IN plus IN जो N से N में आच्छादक नहीं, इस प्रकार से कह रहा है, यानी IN plus IN आपको 2x दे रहा है। अब सवाल है बहुत सरल, कुछ नहीं, सवाल में जरा समझने की कोशिश करो भाई। अब वो कह रहा है जो IN दिया है आपको, ये IN N से N में दे रहा है, ठीक है ना,
एन से एन में, तो जरा इसको सोचो एन से। और मैंने आपको बताया अच्छादक क्या होता है, अच्छादक में सह प्रांत में जो अवयव होते हैं वो कोई छूटने नहीं चाहिए, उन सबकी मैपिंग होनी चाहिए, वो कहलाता है अच्छादक। ये होता है आपका सह प्रांत। तो इसमें जो सह प्रांत है उसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सबके सब बनने चाहिए, यानी सबके सब बनने का मतलब सह प्रांत आपका परिसर के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा था, अब यहां सोचो, अब ये कह रहा है आई एन एक्स बराबर एक्स, इसका मतलब क्या, आई एन एक्स बराबर एक्स का मतलब क्या, सुनो आई एन एक्स बराबर एक्स, अब इसका मतलब क्या कि यदि आपने एक्स का मान एक रखा यानी आई वन रखा तो यहां पर वन आएगा, आई टू रखा तो यहां पर वन टू आएगा, आई थ्री रखा तो यहाँ थ्री आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जितने एलिमेंट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव और अप टू डॉट डॉट ए वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है अप टू, तो इन सब का कनेक्शन होगा वन का वन के लिए, टू का टू के लिए, थ्री का थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव का फाइव के लिए, तो यहाँ कुछ भी नहीं छूटेगा। सह प्रांत में जब कुछ नहीं छूट रहा है इसका मतलब ये आई एन है वो अच्छा तक है। तो यहाँ पर आप यही कह सकते हो, ये कह दोगे कि आई एन सच दैट एन टेंस टू एन पर आई एन एक्स, क्या कि आई एन एक्स बराबर एक्स के लिए फलन आच्छादक है, ठीक है ना। ये हो गया आपका आच्छादक है, ठीक, क्लियर है बात। अब वो कह रहा था कि आई एन प्लस आई एन एक्स बराबर टू एक्स, ये कह रहा था। अब जरा इसको समझो कि यहां तो आपका एक्स है, यहां तो आपका प्रांत में तो आपका x है, लेकिन इस जगह हो गया आपका 2x। इसका मतलब क्या कि यदि आपने x यहां एक माना तो यहां पर आपका दो बनेगा, एक का संबंध दो से होगा, ठीक है। लेकिन ये n तो चल ही रहा था, प्राकृतिक संख्याओं के लिए ही चल रहा था, तो यहां पर आप एक रखोगे, यहां दो तीन चार, यहां पर भी आपका तीन चार पांच, इस प्रकार से। लेकिन अब होगा क्या कि जब आप x का मान दो लोगे तो यहां कनेक्शन चार से बनेगा, जब तीन लोगे तो यहां कनेक्शन छह से बनेगा, जब चार लोगे तो कनेक्शन आठ से बनेगा। इसका मतलब चीजें छूट रही कि नहीं, देखो वन छूट गया, थ्री छूट गया, फोर फाइव छूट गया, ठीक है ना। तो यहां चीजें छूट रही है, इसका मतलब क्या लिख दोगे कि यहां पर फलन में आच्छादक, फलन में सह प्रांत, फलन में सह प्रांत का पूर्व प्रतिबंध, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सह प्रांत में सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब कुछ अवयव में उपस्थित नहीं है, कुछ अवयवों में उपस्थित नहीं है, ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा कि फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, ये दिखा देना आपको, ठीक है ना। तो इतना लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था, ठीक है। अब चलिए उदाहरण नंबर 51 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ जो है इसमें प्रांत दे रहा है जीरो से पाई बाई टू, और ये इसका सह प्रांत परिसर कहां तक हो रहा है आर तक, तथा जी एक्स बराबर कॉस एक्स द्वारा प्रदत्त फलन है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ तथा जी एक एक ही है, आपको बताना है एफ और जी एक एक ही है, परंतु f प्लस जी एक एक ही नहीं है। अब जरा एक एक ही की संभावना देखो, होता क्या है एक एक के लिए कि मान लो अगर फलन एफ एक्स एक एक ही है तो कब होगा कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो आपका ये होना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम निकाल देंगे। अब इसके लिए कैसे निकालना जरा समझो, कैसे कि आपको दिया एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स ये आपको दे रखा है, किसके लिए दे रखा है, जीरो से पाई बाई टू के लिए, ठीक है। अब अगर हम जीरो से पाई बाई टू में बात करें एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू की, जीरो से पाई बाई टू के लिए अगर इसमें हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम साइन एक्स वन बराबर साइन एक्स टू कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से आपको एक्स वन एक्स टू प्राप्त होगा, यहां से आपको एक्स वन और एक्स टू प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि एफ एक एक ही है, ठीक है ना, एफ एक एक ही है, ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें जी एक्स की, तो जी एक्स के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप कर रहे हो कि जी एक्स, अब जी एक्स बराबर क्या था आपका कॉस एक्स, तो यहां पर आप निकाल दोगे जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू, किसके लिए ले रहा है, जीरो से पाई बाई टू के लिए, तो यहां से आप देख रहे हैं कि कॉस एक्स वन बराबर कॉस एक्स वन, तो यहां से अभी आप कर सकते हो कि एक्स वन बराबर एक्स टू, तो यहां से आप कह रहे हो कि इसलिए जी एक एक ही है, यहां से भी आप कह सकते हो कि जी एक एक ही है, ठीक है ना, जी एक एक ही दिखा रहे हो। अब अगर हम बात करें, अब वो कह रहा था कि f प्लस जी एक एक ही है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, इसी तरह आपको दिखाना है, ठीक है ना। अब वो कह रहा था f प्लस जी एक एक ही, तो f प्लस जी के लिए दिखा दोगे, तो f प्लस जी एक्स, तो इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहां पर आप दिखा दो कि f
प्लस जी एक्स वन बराबर एफ प्लस जी एफ प्लस एफ प्लस जी एक्स टू, ये ले रहे हो। अब जरा सोचो, यहां पर अगर आपने मान लो ये ले लिया, अगर मान लिया अगर आप इस प्रकार से ले लेते हो कि ये हो जाएगा आपका साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स वन बराबर साइन एक्स टू प्लस कॉस एक्स टू, इस प्रकार से अगर आप लेते हो ठीक है। और मान लो, माना किस प्रकार से मान लिया अपन ने, कि माना आपने एक्स का मान ले लिया पाई बाय थ्री और आपने x1 का मान ले लिया पाई बाई थ्री और x2 का मान ले लिया आपने पाई बाई सिक्स। अगर ये मान यहां पर आपने मान लिए, दोनों मान अलग अलग मान रहे, एक एक ही के लिए क्या होता है, दोनों मान बराबर होने चाहिए, x1 और x2 बराबर हो, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं कि दोनों मान अलग अलग मान रहे हैं। और यहां पर अगर हम वैल्यू रखें तो साइन एक्स वन यानी साइन पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा आपका, एक बटे दो हो जाएगा ठीक है ना, आपको वैल्यू तो याद होगी। और कॉस एक्स वन यानी कॉस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट थ्री बाई टू। अब यहां अगर बात करें साइन एक्स बाई टू यानी साइन पाई बाई सिक्स, तो ये हो रहा आपका अंडर रूट तीन बटे दो, और कॉस एक्स बाई टू यानी कॉस पाई बाई सिक्स, ये हो जाएगा आपका वन बाई टू। तो यहां से आप देख रहे हो कि दोनों चीजें बराबर हो रही, लेकिन यहां आपने देखा था कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू था, इसका मतलब क्या कि इसलिए एफ प्लस जी एक एक ही नहीं है, इतना दिखाना था ठीक है ना, एक एक ही नहीं है। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें नोट कर लेना। सवाल बहुत थोड़े से ट्रिकी आप कह सकते हो, इतना ज्यादा है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो, क्योंकि संबंध और फलन की चीजें थ्योरिकल, मैंने पहले भी कहा थ्योरी थोड़ी ज्यादा चलती है, तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हो ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुआ करो तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से उसको समझा करो हो क्या रहा। तो अब हम विविध प्रश्नावली अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।